टू अवर वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने अपने जंगली कबूतर को पकड़ के थोड़ा दूर ले जाके उसको मैंने छोड़ दिया था और गाइस कबूतर रिटर्न नहीं आया था। और अभी जो है अपने ज्यादातर कबूतर दाना पानी करके हो चुके हैं जाल के अंदर और गाइस जस्ट अभी अभी अपना जंगली कबूतर आया और डायरेक्ट जाल के अंदर चला गया। मैं आपको दिखाता हूँ, पेटी में चला गया भाई। अभी दाना पानी कुछ भी ये नहीं किया है। ये देखो, ये रहा, ये चेक करो। मैं जो है कब से वेट कर रहा था ये कबूतर का, लेकिन इतने देर से ये कबूतर नहीं आया था। वीडियो भी जो है काफी ज्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने बोला वीडियो एंड कर देते हैं। और हम लोग जो है आराम से यहाँ पे बैठे हुए थे और तुरंत कबूतर आया, दीवार पे बैठा और तुरंत का तुरंत अंदर चला गया। देखो अभी भी जो है ये अंदर जाने का ही देख रहा है। ये आ आ ये चला गया। अभी गाइस इसको दाना पानी करना होगा तो आराम से कर लेगा, क्योंकि जब मैं इसको पकड़ के लेके गया था उड़ाने के लिए तब जो है ये दाना पानी कुछ भी नहीं किया था। सुबह के टाइम मैंने दाना पानी डाला था, वही खाया था, बट शाम का दाना पानी इसका बाकी है तो अभी बाहर आके दाना चुन रहा है। देखो ये जो है एक जंगली कबूतर है और मुझे इस पर उम्मीद था, ऐसा था मेरे को कि भाई ये आज नहीं आएगा, लेकिन एक दो दिन के बाद ये अपना घर ढूंढते ढूंढते हमारे पास कभी ना कभी रिटर्न वापस जरूर आएगा। बट मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि ये जो है आज ही शाम के टाइम में रिटर्न आ जाएगा। और गाइस हम लोगों को पता भी नहीं चला कि ये कबूतर कहाँ से आया। हम लोग तो सोचे भाई कि अब जो है अंधेरा होने वाला है, अब कहाँ ही आएगा। मैं जो है आराम से बैठा हुआ था, अचानक से कबूतर आया, दीवार पे बैठा और तुरंत का तुरंत अंदर चला गया। फिर जो है मैं वीडियो कंटिन्यू किया, अभी जो है दाना वाना खा के दोबारा से अंदर जा चुका है। ये चेक करो गाइस, अभी जो है 4 भी नहीं बजा है। और क्यों आए भाई जल्दी? इसके वजह से कबूतर लेने के लिए आया हूँ। तेरा जो कनाक था तो ले गया ना? और कौन से ले जाना? एक जो कलदुमे में दिया है वो और एक वो नारी, एक कास्ती। मतलब गाइस हुआ क्या है, आप सभी को याद होगा अभी थोड़े टाइम पहले ही इसने जो है एक कलदुमे में कबूतर पकड़ा था और इसको लगा कि नारी है, क्योंकि तुरंत पकड़ा और देखने में नारी ही लग रही थी, तो ये जो है लेके मेरे पास आ गया क्योंकि अपने पास एक कलदुमे में मेल सिंगल था। बट गाइस वो कबूतर पकड़ा हुआ था, एक दिन के बाद हमें पता चला ये फीमेल नहीं, ये तो मेल है छोटे साइज में। फिर मैंने सोचा भाई क्या करेंगे इतने सारे मेल रख के, तो मैंने इसको बोला भाई तू वो कबूतर वापस ले जाना, और एक और फीमेल है वो ब्रीडिंग के लिए है अपने पास, बहुत अच्छी है एक फीमेल है, वो भी मैं आपको शॉक कराता हूँ फीमेल का। सब कबूतर अपने आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपने पुराना पल्टर कबूतर बैठा हुआ है। रुको देखते हैं सब कहाँ पे, ये रही, ये देखो गाइस ये है फीमेल। ये जो है मेरे पास उड़ भी रही थी, काफ़ी शानदार उड़ती है। इसको मैंने रखा हुआ था, मेरे पास एक तांबड़ा कबूतर है उसके साथ जोड़ी डालने के लिए, लेकिन अभी अपने सभी कबूतर सिंगल है, किसी को ब्रीडिंग में नहीं डालूँ। और इसके पास एक बहुत ही अच्छा मेल है जिसके लिए फीमेल नहीं मिल रही है, तो मैं बोला भाई तब तक जो है तू ले जा और ब्रीडिंग करा, स्टॉक करा छोटू इसका। ये देखो गाइस ये है वाइट आइज में फीमेल, बहुत ही शानदार फीमेल है। इसकी आंखों की क्वालिटी चेक करो, इसको मैंने उड़ा भी रखा है, मेरे यहाँ पूरी ये फीमेल सेट हो गई है और बहुत ही शानदार उड़ती है। पर दिखा भाई, ये है इसके पर, पूरी बंद पूंछ की फीमेल है, ठीक है, पंजे दिखा, पंजे पंजे, और ये है गाइस इसके पंजे, जामनी पंजे और ब्लैक नाम। और एक दूसरा है कलदुमा कबूतर, आप सभी को याद होगा अभी थोड़े टाइम पहले ही इसने दिया हुआ है। ये देखो ये जो कलदुमा आपको दिख रहा है ना, ये हमारा है और ये सनी ला के दिया था गाइस। ऐसे जब पहले लाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था भाई फीमेल है, जब हम लोग दोबारा से ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों ही कलदुमे कबूतरों का जोड़ा डाल देंगे, लेकिन अभी जो है गाइस ये पूरा फुल मस्ती मारता है भाई कबूतर। ऐसे देखने में लगता है फीमेल है बट ये फीमेल नहीं मेल है। ये देखो पता चला मेरे पास ले जाके फीमेल निकल गई था, तभी दूं दवा पर। अबे ऐसे देखने में लगता है नारी है, देख छोटे साइज में लगता है नारी है लेकिन है नर। मेरे सामने ये फूल झुका हुआ है पूरा फूल, ये तो चलो। सो गाइस ये चेक करो, ये है कलदुमे में मेल, इसका भी शौक करा दे भाई। अभी भी बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ पे गाइस, एक कबूतर आके बैठा हुआ है, वो जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा था वो कहाँ है? वो रहा कोने में बैठा है इस साइड में।
अच्छा हाँ दिख गया ये देखो भाई, ये वाइट बिल्डिंग पे किसी और का कबूतर आके बैठा हुआ है, एक यहाँ पे वाइट में और एक यहाँ पे जंगली जैसा दिख रहा है। ये बोल रहा है भाई नीलम है, जंगली है, उड़ गया वाइट वाला, उड़ गया नहीं वाइट वाला बेटा है, कबूतर हाँ। निकाल दे शायद आ भी सकता है, कबूतर अपने उड़ने वाले निकाल दूंगा, वो उड़ते रहेंगे और मैं चला जाऊंगा नीचे। ये देखो गाइस, ये है भाई वाइट आइज में कबूतर, ठीक है। ये भी कबूतर बहुत शानदार है, नर निकले तो भी इसको बेच मत, मैं तो बोलूँ मस्त कबूतर है, रख लेता नीचे। बट गाइस अगर फीमेल होती तो और भी ज़्यादा शानदार होता, अपने पास सेम ऐसा ही टू कॉपी में मेल है, बट चलो कोई बात नहीं भाई, उसके लिए कोई दूसरी फीमेल मिल जाएगी, अब ये मेल है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। उसको उड़ाऊंगा नहीं, जोड़े में डालेगा, जोड़े में नहीं, उसको है ना खाली ऐसे छत पे रहन दूंगा, जब अच्छी सी अगर कोई फीमेल मिल जाएगी ना तब इसको जोड़े में डालूंगा। इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, पहले मेरे पास तो आने दे, अभी मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही फीमेल मारना। अच्छा कुछ भी मतलब, कोई भी मतलब अच्छा फीमेल मार देंगे, मतलब अच्छे से छोटू उड़ाया जाए। चल भाई छोटू का डिमांड है तो उड़ाते हैं अब कबूतर। बता छोटू कौन सा उड़ा, कलचेरा फुलचेरा बाजरा, एक यहाँ पे जीरे में बच्चा है, छोड़ इसको भी देखना और किसी को मत निकलने देना। और गाइस यहाँ पे हम लोगों का जंगली कबूतर, रुको मैं निकालता हूँ इसको, रुक जा भाई बहुत तेज है। और गाइस ये जंगली कबूतर को हम लोगों ने कल दूर से छोड़ के आया था और कल शाम के टाइम पे ही ये रिटर्न भी आ गया था, तो चलो अभी मैं इसको निकालता हूँ बाहर, इसको भी हम लोग उड़ा देते हैं, ये भी जो है थोड़ा चक्कर वक्कर लगाए और बाहर बैठे, जिससे कि इसको थोड़ा और अच्छा आइडिया मिले, जिससे कि हम लोग कहीं भी इसको छोड़ दें तो इसको पता हो कि भाई हमें मुझे घर वापसी कैसे करना है, ठीक है। हालांकि इस बार जो है इसने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो है अपने घर पे पहुंच गया उसी दिन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये दो तीन दिन के बाद या फिर कल परसों में आएगा, लेकिन जिस दिन हम लोगों ने इसको छोड़ा उसी दिन थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन अंधेरा होने से पहले ये जो है अपने घर पे वापस आ गया, ये देखो। तो चलो अभी इसको भी निकालते हैं बाहर। ये गाइस अपना जंगली कबूतर है जिसको हम लोगों ने दूर से छोड़ा हुआ था, अब इसको भी उड़ाएंगे, जंगली को भी, ये उड़ रहा है। पर ऐसा लगता नहीं है जंगली है, देख वही पत्ते पे वहीं जाके बैठेगा, वो कबूतर वहीं बैठा है ना। और देखो भाई अपने जो कबूतर थे वो ये उड़ रहे हैं, ठीक है। चौथी मारने वाले के देख रहा कितने जबड़े उड़ रहे, पटपटा पटपटा फड़क मार रहे हैं। सो गाइस चलो जो कबूतर उड़ रहे हैं उनको उड़ने देते हैं, मैं जो है आज जल्दी आ गया था छत पे, तो मैंने सोचा तीन चार कबूतर निकाल देता हूं, वो जो है उड़ते रहेंगे और अपने बाकी के कबूतर को अंदर ही रहने देते हैं, क्योंकि भाई अभी मैं जा रहा हूं नीचे, ये लोग जा रहे हैं छत पे। अभी तो तुम लोग खोलोगे कबूतर ले जाके? अभी तो खोलेंगे, 4 बजे का टाइम। और ये दोनों ही कबूतर जो है लेके जा रहे हैं, इसका क्या पर काटेगा या बांधेगा? बांध दूंगा। देखना नारी निकले ना, बहुत अच्छी नारी है, और जोड़ी में जल्दी डाल देना, अभी ले जाके डाल दूंगा, सिंगल तो लग जाएगा, सिंगल जोड़ी है ले भी लेगी। सो गाइस जाल को भी मैंने कर दिया है बंद, अभी चलते हैं भाई नीचे।